Dear students of class 7th standard, Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil, welcome to Computer Education, chapter number 3, video part 2nd. So, this chapter we have studied, the topic was more about MS Word 2007. Characteristics of Microsoft Word 2007. Start Microsoft Word 2007. Finding and replacing text. फिर इसके बाद फाइंडिंग टेक्स्ट पढ़ा था और रिप्लेसिंग टेक्स्ट आज पढ़ना है. तो पेज नंबर 31 पर आ जाइए, वहां से आगे स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. टू रिप्लेस विद टेक्स्ट सम अल्टरनेट टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, क्लिक ऑन द होम टैब. स्टेप 2, क्लिक ऑन द रिप्लेस इन एडिटिंग ग्रुप. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर. तो आपको क्या करना है, यहां पर अल्टरनेट टेक्स्ट लाने के लिए किसी टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है, तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है. सबसे पहले आपको होम टैब पर जाना है, वहां से आपको एडिटिंग ग्रुप में जाकर रिप्लेस पर क्लिक करना है. रिप्लेस पर क्लिक करते ही आपको फाइंड एंड रिप्लेसिंग डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. फिर वहां पर आपको टाइप द टेक्स्ट टू बी सर्च इट इन द फाइंड वर्ड बॉक्स. फाइंड वर्ड बॉक्स में आपको टाइप करना है उस टेक्स्ट को जिसको आपको ढूंढना है. स्टेप 4, टाइप द न्यू टेक्स्ट. नए टेक्स्ट को आपको टाइप करना है और वर्ड को इन द रिप्लेस विद बॉक्स, रिप्लेस के साथ जिस टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है. स्टेप 5, क्लिक रिप्लेस टू सबमिट द वर्ड एंड रिप्लेस ऑल. टू रिप्लेस ऑल वर्ड्स विद ए वर्ड व्हिच हैज बीन टाइप्ड इन रिप्लेस इट विद बॉक्स. रिप्लेस विद बॉक्स में आपने जो वर्ड टाइप किया है वो रिप्लेस करने के लिए, तमाम ऑल को करने के लिए रिप्लेस ऑल करना है. नहीं तो रिप्लेस सिर्फ रिप्लेस करेंगे तो आपको एक एक करके आ जाएंगे वहां पर. सबस्टिट्यूट जो आप वर्ड वहां पर सिलेक्ट हुआ है वही रिप्लेस हो जाएगा. नहीं तो आपको रिप्लेस का ऑल करने पर जितने भी वर्ड आपके होंगे वो सारे वहां पर रिप्लेस हो जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप 6 में बोलते हैं क्लिक ऑन द मोर बटन. मोर बटन पे क्लिक करो फॉर एडिशनल सर्च ऑप्शन. और कोई मजीद आपको सर्च करना है तो इसके बाद आ जाइए पेज नंबर पर. वहां पर हमको यहां पर पूरा पिक्चर में दिखाया गया है, डायलॉग बॉक्स आ गया है. स्टेप 3 से वहां पर आगे दिखाया गया है, टाइप द टेक्स्ट टू सर्च. फिर इसके बाद स्टेप 4, टाइप द टेक्स्ट विद द रिप्लेस बटन, यहां पर आपको दिखाया गया है. फिर इसके बाद स्टेप 5 में आपको बोलते हैं क्लिक रिप्लेस ऑल. स्टेप 6 में बोलते हैं मोर. स्टेप 7, क्लोज द बुक्स आफ्टर सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग. स्टेप 7 में आपको क्या करना है, क्लोज करना है आपका इस डायलॉग बॉक्स को ये पूरा कंप्लीट होने के बाद. फिर इसके बाद बोलते हैं फैक्स टू नाउ में कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग टेक्स्ट. टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ है. कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर रिप्लेसिंग टेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस एच. रिप्लेसिंग के लिए आपको कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की है कीबोर्ड से. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस हेल्प बटन. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प बटन इज लोकेटेड एट द अपर right corner of the ribbon. It is placed just below the close button. It is used to seek help about any feature of MS Word. We type a query in the Word help windows question mark yahan par and click and search on search to find the result. To ye Microsoft Office help button hota hai aapko just below kahan par, wahan par close button ke बस नीचे ही आपको वहां पर मिलेगा अपर राइट कॉर्नर में. और ये आपको क्या काम करते हैं, ये आपको हेल्प देते हैं. कोई भी आपको एमएस वर्ड का फ्यूचर्स के बारे में आपको पूछना है तो यहां पर आप टाइप करके पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब दे देंगे. विंडोज हेल्प वर्ड हेल्प विंडो जो क्वेश्चन मार्क इस तरह से दिया हुआ है, इस पर क्लिक करते ही आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आप सर्च कर सकते हैं क्लिक करके. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपको Inserting hyperlinks. Inserting hyperlinks में क्या कहते हैं, it is used to move from one page to other very quickly by using just a single click on the link. Link पर बस क्लिक करते ही आपको hyperlink क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज पर आपको पहुंचा देते हैं. This link can be in the form of text or picture. ये link जो है आपको text या picture के शक्ल में मिलते हैं. Microsoft Word 2007 support almost all types of hyperlinks that user frequently use in their document. तो Windows 7 जो है
विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 सपोर्ट करते हैं तमाम टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक्स को जो यूजर फ्रिक्वेंटली है और हर डॉक्यूमेंट में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक, आप हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में फॉलो द गिवन स्टेप्स, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप वन क्या करना है, स्टेप वन में सिलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है इन विच द हाइपरलिंक्स टू बी प्लेस्ड, जहां पर आपको हाइपरलिंक्स जो है वहां पर रखना है, उस जगह को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब ऑन द रिबन, फिर इसके बाद इंसर्ट क्लिक का रिबन पर जाना है, वहां पर इंसर्ट टैब को क्लिक करना है। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे क्लिक करो, इन लिंक्स ग्रुप, लिंक्स ग्रुप पे जाकर एंड इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, फिर इसके बाद वहां से हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को इंसर्ट करो। अपीयर्स वहां पर मौजूद होगा विच कंटेन मेनी ऑप्शंस, वहां पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे फॉर क्रिएटिंग ए लिंक, लिंक को क्रिएट करने के लिए, जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया आपको। फिर इसके बाद स्टेप फोर में बोलते हैं टाइप एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट और क्लिक ऑन एनी एग्जिस्टिंग फाइल टू क्रिएट ए लिंक, फिर इसके बाद आपको टाइप करना है किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, या तो आपको क्लिक करना है जो भी फाइल आपने पहले बनाया हुआ है। वी कैन ऑल्सो लिंक कंटेंट थ्रू एन ई मेल एड्रेस, हम ई मेल एड्रेस के जरिए भी वहां पर शामिल कर सकते हैं लिंक को। फिर इसके बाद वहां पर बोलते हैं भाई स्टेप फिफ्थ में क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करो, ए हाइपर लिंक हैज बीन इंसर्टेड नाउ, अब वहां पर इंसर्ट हो जाएंगे आपका हाइपर लिंक। अदर वे ऑफ इंसर्टिंग ए हाइपर लिंक, अब दूसरा भी तरीका है इंसर्ट करने का हाइपर लिंक को, वी कैन ऑल्सो इंसर्ट ए हाइपर लिंक ऑन ए डिजायरेड वर्ड और डॉक्यूमेंट बाई राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सेलेक्ट द हाइपर लिंक, हम दूसरा तरीका इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट हाइपरलिंक और फिर उसके बाद वहाँ पर जो भी वर्ड आपको चाहिए डिजायर होगा आपको या डॉक्यूमेंट में होगा उसको राइट क्लिक करना है उसके ऊपर, फिर उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाएंगे हाइपरलिंक। ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग द हाइपरलिंक पेज नंबर 33 पर है। इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू ए लिंक्ड पेज, एक करंट डॉक्यूमेंट से आपको लिंक्ड पेज पर जाने के लिए मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द हाइपरलिंक टेक्स्ट, हाइपरलिंक टेक्स्ट पर आपको माउस का पॉइंटर ले जाना है। ए मैसेज इज डिस्प्लेड, वहां पर एक मैसेज आपको पढ़ने को मिलेगा दैट रीड्स कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक्स, लिंक को फॉलो करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस क्लिक करने के लिए बोलेगा, प्रेस द कंट्रोल की, कंट्रोल की को आप प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद क्लिक ऑन द लिंक, लिंक पर क्लिक करो टू ओपन द हाइपरलिंक, हाइपरलिंक ओपन करने के लिए। वी कैन फॉलो द सेम स्टेप्स, यही स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं सेम टू क्रिएट ए हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक को क्रिएट करने के लिए इन ए पिक्चर, पिक्चर में ठीक है एक तस्वीर में भी आप वहां पर हाइपरलिंक ला सकते हैं जिस तरह से हमने टेक्स्ट में लाया। दूसरा कहते हैं अप्लाइंग ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप को अप्लाई करने के लिए, यानी कि जो शुरू में आपका पैराग्राफ के शुरू में जो लेटर होता है वो आपको ड्रॉप इट लार्ज ड्रॉप करके वहां पर आपको रखने के लिए ड्रॉप कैप कहते हैं, उसको ड्रॉप कैप करके दे देना, जैसे कि आपने देखा होगा मैगजीन में देखा होगा या न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा शुरू में जो लेटर्स होता है वो बड़ा होता है, बाकी सारे जो लेटर्स होते हैं वो छोटे में होते हैं। ठीक है, ड्रॉप कैप इज ए फ्यूचर इन एमएस वर्ड व्हिच लेट्स यू क्रिएट ए लार्ज ड्रॉप इट इनिशियल कैपिटल लेटर, ड्रॉप कैप एमएस वर्ड का एक फ्यूचर है जो आपको लार्ज ड्रॉप इट जो शुरू में जो लेटर होता है उसको कैपिटल लेटर में दे देते हैं। टू क्रिएट ए ड्रॉप कैप लेटर, एक ड्रॉप कैप लेटर को क्रिएट करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप्स, इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप वन, क्लिक इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में क्लिक करना है विच में रिक्वायर इट टू बी स्टार्टेड विद ए ड्रॉप कैप लेटर, जिसको आपको ड्रॉप कैप लेटर के साथ स्टार्ट करने का ख्वाहिश है। स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है। स्टेप थ्री, क्लिक ऑन द ड्रॉप कैप फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप में जाकर वहां से आपको क्लिक करना है ड्रॉप कैप पर। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर रुकते हैं, अप्लाइंग कॉलम फॉर्मेटिंग से आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स।